हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री हरियाणा में 3 रैली करेंगे। मंगलवार को भाजपा के प्रदेश चुनावी मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि हरियाणा में इस बार भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर हरियाणा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन आशीर्वाद रैली 26 सितंबर को सोनीपत में होगी। सोनीपत रैली का संयोजक मैं खुद रहूंगा। इसके अलावा हिसार में नरेंद्र मोदी की रैली होगी और इस रैली के संयोजक कुलदीप बिश्नोई होंगे। प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को पलवल में रैली करेंगे और इसके संयोजक कृष्णपाल गुर्जर रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि 18 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश की राजनीतिक राजधानी रोहतक में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि कल का दिन बहुत खास रहा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन तो था ही, साथ ही केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई, 3 लाख करोड़ की सड़कें, रेलवे की परियोजनाएं शुरू की। इन 100 दिनों में 11 लाख नई लखपति दीदी बनाई। बीते 100 दिनों में प्रधानमंत्री ने देश हित के लिए जितनी परियोजनाओं और विकास कार्यों की घोषणा की है, उतना कार्य कांग्रेस सरकार अपने दशकों के शासन में भी नहीं कर पाई थी। इन परियोजनाओं में देश के सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभान्वित करने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं निर्धारित की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान हरियाणा भाजपा मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी, भाजपा मीडिया सह प्रभारी अशोक छाबड़ा, शमशेर खड़क, संदीप आजाद, भाजपा नेता राजकुमार कटारिया और रोहतक मीडिया प्रमुख सनी शर्मा आदि मौजूद रहे। हमने भी निर्णय किया है कि हमारे जो गरीब भाई थे, जो हुड्डा साहब उनको 100 गज के प्लॉट का लॉलीपॉप दे करके गए थे, ना प्लॉट दिया, ना कागज दिए, ना कब्जा दिया, भाइयों उसका निर्णय भी आपके इस गरीब बेटे ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिस गरीब परिवार के बेटे को, एक पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा की जिम्मेवारी दी, उसको मालूम है कि गरीब की समस्या क्या होती है। हमने निर्णय किया कि ऐसे सब लोग जिनको 100 गज के प्लाट नहीं मिला या कागज कब्जा नहीं मिला, घूम रहे थे, कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिया, हमने निर्णय करके उन सब को बुला करके 100 गज का प्लाट भी दिया, कागज भी दिए, कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों हमने आगे भी निर्णय किया है, हमने आगे भी ये निर्णय किया कि जिन लोगों के पास 100 गज का प्लाट नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन मैंने उसी दिन भाइयों संकल्प लिया था कि मेरे भाई वो रजिस्ट्रेशन करें, और हम ने तैयारी कर ली थी 1 लाख परिवारों को पहले फेज के अंदर 100 गज का प्लाट उनको कागज और कब्जा दे करके मैंने देना था, परंतु आचार संहिता पहले लग गई और आचार संहिता लग गई। मैं आज अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में, आज मैं इस बात को लेकर के दोबारा उस संकल्प को दोहराता हूँ कि 8 तारीख के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, 100 गज का प्लाट भाइयों देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाई ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।